हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे अभी सब रेडी हो गए हैं, निकल लेंगे जी। पैक पैक कर चुके हैं और हम अपना सामान रखने वाले हैं गाड़ी में। मैं आपको दिखाता हूँ आज का नज़ारा। आपको देखकर ये शायद यकीन ना हो। देखिए पूरा स्नो है, रात भर स्नोफॉल हुई है और बरसात भी थी साथ में। और ये हमारी कार, इसको जाएंगे पीछे भी जो माउंटेन है वहाँ पे पूरे में स्नो ही स्नो है। भाई पता है हम रात को तो देख नहीं पाए थे बद्रीनाथ जी, लेकिन अभी हम पहुंच गए हैं। और ये कितना मनमोहक नज़ारा है और यहाँ काफ़ी रश भी हुआ है और ये पूरे माउंटेन में बर्फ जमी हुई है। दूर तक पूरा स्नो है और ये सामने कुंड में भी वहाँ निकलते हुए जो पानी इतने कोमल है। मेरे सामने नजारे जय बद्रीनाथ। अभी रस ज़्यादा हो गया तो ये है बद्रीनाथ जी, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। मन करता यहीं पर खड़े रहें और देखते ही रहें, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी वापस जा रहा हूँ मैं गाड़ी के पास, वो मेरी वेट कर रहे हैं। और यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही सुंदर हैं, मन कर रहा है इनको निहारते ही रहें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ ज़रूर लिखें। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा, उसके बाद ही इसका व्यू और ही सुहावना हो पाएगा। यहाँ पर होटल बनेंगे या कुछ और ये तो अभी कह नहीं पाऊँगा, लेकिन
जो भी बनेगा काफ़ी अच्छा होगा। सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये काफ़ी बड़ा इन्होंने रास्ता बनाया है। ये आपका रास्ता सीधा बद्रीनाथ मंदिर तक जाएगा और इसके दोनों तरफ लाइटिंग भी लगाई जा रही है। अगले साल ये काम काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा तो यहाँ का व्यू और भी बढ़िया होगा। अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स और कई एक्टिविटीज़ अभी चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन की भरमार है। ये अभी कुछ होटल या रेस्टोरेंट है, इधर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ भी ये टेम्पल है, अभी हम पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप के पास जहाँ पर वो बाकी साथी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। माउंटेंस का व्यू और उधर दूर वहाँ पर धूप आ चुकी है और धूप में और ज़्यादा चमक रहे हैं। और अभी मैं ढूंढता हूँ कहाँ पर है और ये यहाँ पेट्रोल पम्प अगर आप बद्रीनाथ आए तो आपको पैदल भी घूमना चाहिए क्योंकि पैदल घूमने से आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे जो आप शायद ऐसे नहीं कर पाते। करने जा रहे हैं भारत का पहला गांव इंडियन फर्स्ट विलेज। और हम एंटर कर चुके हैं, सारे एक्साइटेड हैं पहले गांव में जाके चाय पीने के लिए। तो
और ये है माना देश का पहला गांव। एंट्री कर रहे हैं हमें देश का मान माना गांव। तो ये गांव पहले को आखिरी गांव बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम है देश का पहला गांव। चल रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे के बाद हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। अभी रुके हैं नाश्ते के लिए, ये है रेस्टोरेंट एक, और ये है यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं सामने वाला ट्रैक ऊपर जा रहा है, और जो सामने टेंट लगा हुआ है और उसके ऊपर जो मंदिर है वो है, और इस वैली का कुछ ऐसा नज़ारा है, और ये ऊपर फोटो सेशन चल रहा है, ऊपर चलते हैं। और यहाँ से कुछ अलग ही व्यू है, पूरे माउंटेन्स में बैठा हुआ है। और ये नदी कौन सी है, ये और ये सिग्नेचर बोर्ड यहाँ का, आई लव मॉर्निंग। तो अभी निकल चुके हैं नाश्ता पानी करके वसुधारा के लिए, जो यहाँ से लगभग 5 या 6 किलोमीटर तक है, और ये बीच में नदी का शोर कल कल करते हुए, और ये हमारे साथ काफ़ी श्रद्धालु चले गए, और आप देख रहे हैं सामने एक बड़ा सा पर्वत, उसमें बीच में एक छोटा सा गुफा लग रही है, लेकिन पता नहीं वो क्या है। तो चल रहे हैं, और ये एक मंदिर है, जय बोले जय भोलेनाथ, और यहाँ पर झरना है, और ये यहाँ पर एक झरना है, ये कभी बीच गुफा में से ही पानी और पानी बड़ी तेजी से आता है। अभी आगे बढ़ते हुए
हम इस मंदिर में वापसी नहीं आएंगे क्योंकि आगे का जो ट्रैक है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो सबने डिसाइड किया है कि हम वापस आगे ही मंदिर में दर्शन करें। और ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। भीमशिला कौन सी है? भीमशिला यही है। पैसे यहाँ नहीं, आधे रास्ते में देना। आगे भी लिखा हुआ है। और यहाँ एक और दुकान है जहाँ पर लिखा हुआ है भारत की प्रथम चाय की दुकान। अब ये दुकान है या वो दुकान है ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन अभी फिलहाल चल रहे हैं। और ये आ गया स्वर्ग। और ये मेरे पीछे जो नदी है वो है सरस्वती नदी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ से हम वो जो सामने आप देख पा रहे हैं, वो जो जहाँ पे एक केसरी झंडा ले आ रहा है, अभी हमने वहाँ पे नाश्ता किया था और हम अभी वापस आए, यहाँ तक आए हैं। और अभी आगे बढ़ते हुए ये अभी कुछ प्रतिमाएं उन्होंने लगा रहे हैं, शायद ये पांडवों की प्रतिमाएं हैं जो अभी आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएगी, तो इनको पूरी तरह से व्यवस्थित करके ओपन कर दिया जाएगा ताकि सब लोग देख सकें। और अभी काफ़ी काम चलते हुए ट्रैकिंग पर। और अभी विपुल और दीक्षित धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही रास्ता और भी सुंदर और दुर्गम हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो दृश्य है वो देखकर आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप इतने कठिन रास्ते पर हो। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रकृति के सौंदर्य का नज़ारा लेते हुए। ये तो देखने में अच्छा लग रहा है पहाड़ वाड़ ऐसे और नए टाइप के टाइप। अभी तो भाई ये बना हुआ है, थोड़ा आगे जाके खराब हो जाएगा फिर दिक्कत होगी। और हवा और ठंडी और ज्यादा ठंडी होते हुए और रास्ता भी
और ज़्यादा दुर्गम होते हुए। और ये हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स शुरू हो चुके हैं और रास्ता आप दुर्गम होता हुआ। ये साथ में स्नो भी पड़ी हुई है, बीच बीच में कहीं कहीं पे स्नो भी है। इन रास्ता और कठिन होता जा रहा है। और आगे मौसम भी खराब होता हुआ है छोटी सी, इसमें कुछ साधु संत आराम कर रहे हैं, शायद यहाँ ये रहते हैं। जय हो बद्रीनाथ। रास्ता चल रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना बड़ा पर्वत का छोटा सा टुकड़ा। और आगे बढ़ते हुए जय बद्रीनाथ। ये भी 41% है, बैटरी लो, पावर हो। तो अभी चल रहे हैं और रास्ता दुर्गम होते हुए। और सामने भी पुल ने भी ये वाटर क्रॉसिंग पार किया। और फाइनली पहुंच गए हैं वासुकी ताल पर। 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ट्रैकिंग सच में बहुत मुश्किल है। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। सबसे पहले वासुकी ताल, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वासुकी ताल है, जो कि हमारा ऊपर से गिर रहा है यहाँ से। और इसमें अभी स्नोफॉल भी है और ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो इसका कुछ कण इसके बर्फ़ में बदल रहे हैं और कुछ पानी के रूप में नीचे आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि आए हुए हैं, ये नीचे कुछ फोटो सेशन करा रहे हैं, कुछ आनंद ले रहे हैं इसका व्यू का। और ये हमारे दीक्षांत और विपुल 2 घंटे का ट्रैक था जो मामा जी नहीं आया, हम लोगों ने 1.5 घंटे में कर लिया। आपके ब्लॉगर ने 2 घंटे में करा, हमने थोड़ा जल्दी कर लिया कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें मतलब मिनिमम टाइम बताया 2 घंटे लगते हैं। मामा जी ने फिर भी कर लिया, आपके ब्लॉगर ने बहुत अच्छा लगा, हम आ गए हिम्मत कर करके, इतना भी हो गया।
और अच्छी बात है केदारनाथ भी हो गया आपका, ये भी हो गया, एक ही बारी में बड़ी सारी चीजें कर ली, एक ही बारी में इतना सारा ट्रैकिंग कर लिया, केदारनाथ बद्रीनाथ और फिर अभी ये ओवरऑल जितना घूमना सब घूम लिया 3 दिन में। और कल देखो, कल जाएंगे हम ऋषिकेश, मन करा तो हम चौपटा भी जा सकते हैं, कल चौपटा हम आए, हम रास्ते में आए थे रुके थे थोड़ी, नहीं वो तुमने चंद्रशिला वो एक दिन का है, नहीं नहीं मन कर रहा करने का, अब मुश्किल हो पाएगा पता नहीं, मेरा मन है चंद्रशिला भी चले जाए, वो इसका हालत उस दिन का, लेकिन यहाँ पर आके सच में ऐसा लग रहा कि यहाँ से स्वर्ग का रास्ता जरूर आ रहा है सच में। और वहाँ सामने विशाल, विशाल वो शायद मुझे सुन नहीं पा रहे, और यहाँ से ये है सूर्य देव, और ये पूरी पहाड़ी पर यहाँ पर दूर दूर तक स्नो स्नो ही है, बर्फ की चादर, और काफी लोग यहाँ पर हैं, और एक छोटी सी धारा यहाँ से भी आ रही है, बाकी मेन धारा ये है वासुकी धारा, कहते हैं कि इसकी बूंदे जिसके ऊपर गिर जाती हैं वो पाप मुक्त नहीं हो जाता, साफ दिल का होता है, वो साफ दिल का होता है, और पाप नहीं का कुछ नहीं कुछ, वैसे हम बड़ा धोते हुए आ रहे हैं, हमारे तो साफ हो जाने हैं, 3 जगह होके आए हैं, दिल्ली गए हमारे, बिल्कुल यहाँ पे आके भी कितने साफ रहेंगे, हमारे ऊपर तो आगे छीटे सबसे पहले आ गए, खत्म है जान, और यहाँ एक चीज और है, अगर आपने गौर की हो तो ये सामने एक गुफा है, अब ये गुफा है या फिर वैसा ही है इसका कुछ नहीं पता, और क्या वही तो कह रहा था मैं, पानी निकल रहा है, और हम हैं फाइनली वासुकी ताल पे, भाई आ जाओ सारे आ जाओ, खड़ी हो जा,
घंटों के ऊपर नीचे तो उतरो चल नहीं। अभी वापसी उतरते हुए धीरे धीरे उधर से आए थे शायद है ना गलती की हमने शॉर्ट कट लगाया हमें उधर से आना चाहिए था विपुल आराम से उतरना आराम से यहाँ कुछ रेस्ट ले रहे हैं कुछ देर के लिए वो फोटो का वेट कर रहे हैं उनको लग रहा है फोटो ले रहे हैं और यहाँ से नेचुरल मिनरल वाटर एक सीट में ही पूरा बंदा रिफ्रेश। अभी देखिए आपको दिखाते हैं दोबारा से कैसे उसको एंजॉय कर रहे हैं लाइफ देखा थोड़ा समझ ले पड़ेगी देखा अभी चल रहे हैं धीरे धीरे पकड़ बनाते हुए तो चलते हैं भाई ताजा पानी पियो ना ये नहीं है ठंडा है छुड़ाट पियो ये नहीं है नदी में से बोतल भर के रख लो साला बहुत चिढ़ जाता पानी चलो ये ठंडा नहीं है इतना चलो चलो मौसम बदलता हुआ
और जी हम पहुंच गए हैं सरस्वती मंदिर में। मेरे पैरों में काफ़ी दर्द है इसलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूँ। ये जी सरस्वती जी का मंदिर है। आ जाओ। और ये है भीम शिला, जो आप कहते हो ये भीम शिला है। ये कहते हैं कि भीम जी ने, जब यहाँ पे रास्ता नहीं था तो उन्होंने एक भीम शिला को यहाँ पे स्थापित किया ताकि पांडव यहाँ से पार हो सके। काफी दर्शन कर लिए हैं सरस्वती जी के मंदिर में। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप यहाँ आए तो ज़रूर माथा टेक कर जाएं। जय सरस्वती माता जी।
और जी हम पहुंच गए हैं देव प्रयाग में, जहां पर संगम होता है दो नदियों का। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है अलकनंदा और भागीरथी का संगम। मुझे सामने से आ रहा है जिसमें थोड़ा मिट्टी है वो है भागीरथी, और जो ये लेफ्ट में है वो है अलकनंदा जिसका पानी बिल्कुल साफ है। यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। और यहाँ का नज़ारा कुछ अच्छा है, काफ़ी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। तो अभी चल रहे हम ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में थोड़ी देर स्टे करेंगे, मतलब हॉल्ट लेंगे, और उसके बाद वापसी अपने घर। एक सामने झरना भी है उस तरफ जाने के लिए, तो हमारे बाकी साथी इंतज़ार करते हुए